नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली हुई बंपर भर्ती के बारे में, जहां दोस्तों वैकेंसी आपकी ऑफिशियल जो आपकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, और जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 13 अक्टूबर की डेट में रिलीज हो गया था। आपके ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्ट जो डेट रहने वाली है 23 अक्टूबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके थे। दोस्तों लास्ट डेट आपके अप्लाई करने की है 23 नवंबर। 23 नवंबर तक सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको बताने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक समाज कल्याण अधिकारी की। टोटल मिला के 16 वैकेंसी आपकी निकल चुकी है, जिसमें आपकी जो यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगी उत्तराखंड रहने वाली है। पूरा डिटेल में वैकेंसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टोटल 16 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता रखा है कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेतन मान की, तो आपको बता दूं कि 29,200 से लेकर के 92,300 रुपए आपका पे स्केल रहेगा, जिसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया 21 से लेकर के 42 साल तक का रहने वाला है। दोस्तों वैकेंसी की जो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, इसमें आपको बता दूं कि किसी भी यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी है तो इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के। टोटल मिला के इसके 5 पोस्ट रहने वाली है। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेम आपका यहाँ पे स्केल रहेगा, और सेम आपकी यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कार्यालय सहायक थर्ड ग्रेड की पोस्ट की। टोटल मिला के 10 वैकेंसीज आपके निकल चुके हैं, जिसमें आपकी जो वैकेंसी की जो यहाँ पे वेतनमान रहेगा 25,500 से लेकर के 81,000 लेवल 4 का पे स्केल आपका रहने वाला है, जिसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया 21 से 42 वर्ष तक का मांगा गया है। वैकेंसी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है सेम आपके रहेगी, लेकिन साथ में आपके यहाँ हिंदी में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 25 वर्ड पर मिनट की, और इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट की आपके यहाँ पे टाइपिंग भी कंडक्ट करवाई जाएगी। एमएस ऑफिस का आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है। काफी अच्छी वैकेंसीज रहने वाली है दोस्तों, आवेदन जरूर करिएगा इस वैकेंसी का। इसमें काफी अच्छा पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। आपका जो एग्जाम रहेगा दिसंबर के अंदर आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो पोस्ट निकली है सहायक समीक्षा अधिकारी की, टोटल 3 वैकेंसीज निकल चुकी है। इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल आप देख सकते हैं 29,000 से लेकर के 92,000 लेवल 5 का पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। सेम एज लिमिट रहेगी, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कंप्यूटर में आपकी स्पीड न्यूनतम 4000 KDPH की आपके यहाँ पे स्पीड मांगी गई है। दोस्तों एक ही नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है, जैसे कि आपका यहाँ पे फोरमैन के पदों पे भी निकली है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भी आपके टोटल 137 पदों पे वैकेंसी निकल चुकी है। इस वैकेंसी की जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी सेम रहेगी, ग्रेजुएशन मांगी गई है, और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहेगी वो भी पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन में बता रखा है। आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पे स्केल आपका 25,000 से लेकर के 81,000 लेवल 4 का पे स्केल रहेगा। एज लिमिट का क्राइटेरिया सेम आपका अदर पोस्टों की तरह ही 21 से लेकर के 42 साल तक का मांगा गया है। दोस्तों आवेदन जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।